गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम टू योर वीडियो ट्यूटोरियल बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ एक भाषा पढ़ेंगे तो भाषा क्या होती है बच्चों भाषा ठीक है देखो बच्चों क्या होती है भाषा हमारे मन में जब भी कुछ विचार आते हैं ठीक है आते हैं ना हमारे मन में कोई ना कोई विचार आते हैं विचार आते हैं तो उन विचारों को हम क्या करते हैं क्या करते हैं बच्चों दूसरों के सामने बताने का प्रयत्न करते हैं है ना करते हैं ना दूसरों के सामने बताते हैं हम उनको सुना अपने विचारों को ठीक है तो उसे ही हम क्या कहते हैं भाषा कहते हैं और हम अपने विचारों को दूसरों तक जिस साधन के द्वारा पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं ठीक है जैसे बच्चों आपके मन में कोई विचार आया ठीक है आपने क्या करा बोलकर उसको वह विचार बता दिया ठीक है आप अपनी मम्मी से कुछ कहना चाहते हैं आपके मन में कुछ विचार आ रहा है ठीक है अपनी मम्मी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपने क्या करा जैसे आपका खेलने का मन है है ना तो आपने मम्मी से क्या कहा मम्मी मुझे खेलने जाना है आपने बोलकर बता दिया अपने विचारों को ठीक है तो हमारे जो अंदर मन के अंदर जो भी भाव होते हैं विचार होते हैं उनको जब हम दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं जैसे देखिए हम सभी घर पर घर से बाहर तथा विद्यालय में अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं और विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं ठीक है तो भाषा क्या होती है जब भी हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं उसे हम भाषा कहते हैं जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं ठीक है वह हमारी भाषा कहलाती है जैसे देखिए चित्र एक में देखिए ये जो अध्यापिका क्या कर रही है बच्चों यहाँ पर इस चित्र में क्या है जो अध्यापिका है वो क्या है पढ़ा रही है ठीक है यहाँ पर नेताजी क्या हैं भाषण दे रहे हैं यहाँ पे लड़की है लिख रही है ठीक है पत्र लिख रही है यहाँ पे जो है ये आपस में बातचीत कर रहे हैं तो देखिए चित्रों में आप देखते हैं कि चित्र एक में अध्यापिका कक्षा में बोलकर पढ़ा रही है ठीक है तो जो अध्यापिका है वह कक्षा में कैसे पढ़ा रही है देखिए बच्चों यहाँ पे कक्षा में कैसे पढ़ा रही है वो बोलकर चित्र दो में नेता जनता के सामने मुख से बोलकर भाषण दे रहा है यहाँ पर जो नेता है वो मुंह से बोलकर क्या कर रहा है जनता के सामने भाषण दे रहा है ठीक है चित्र तीन में चित्र तीन में क्या है बेटा क्या है वो देखिए अपने विचार पत्र पर लिखकर व्यक्त कर रही है और चित्र चार में सदस्य जो ये घर के मेंबर हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों भाषा कहते हैं ठीक है आया आप लोगों को समझ में आगे देखिए तो वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं उसे भाषा कहते हैं मतलब अपने अपने विचार नहीं पहुंचाने उनके विचारों को भी समझना है वह भाषा कहलाती है ठीक है बच्चों आए आपको समझ में आगे देखिए तो भाषा के रूप मतलब भाषा को हम किस माध्यम से क्या कर सकते हैं पहुंचा सकते हैं लोगों तक ठीक है तो कौन कौन से रूप हैं देखिए एक तो होता है बेटा मौखिक मौखिक मतलब एक कैसे बता सकते हो आप बोल करना ना ठीक है और दूसरा लिख कर ठीक है बोल कर और लिख कर दो रूप होते हैं बच्चों भाषा के एक तो बोल कर बोल कर का उदाहरण कौन सा है बच्चों जो मैं भी आपको बोल के समझा रही हूँ ठीक है ये हमारा बोलने का उदाहरण है ठीक है बोल करके मौखिक का उदाहरण है रूप है लिख के होता है जब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझाती हूँ ठीक है बेटा जब आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ जब आपको अध्यापिका कक्षा में लिख के समझाती है ना ब्लैक बोर्ड पर तो वो लिख करके बोलने का उदाहरण होता है आया आप लोगों को समझ में आगे देखिए विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में आरती ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया ठीक है ये आरती है ये देखिए ये कौन सा रूप है बेटा ये भाषा का कौन सा रूप है ये भाषा का मौखिक बोलने वाला रूप है मौखिक रूप है ठीक है तो विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में आरती ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया भाषण सुनकर अध्यापिका और अन्य छात्र छात्राओं ने उसे बधाई दी ठीक है इस प्रसंग में आरती ने बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और अध्यापिका तथा छात्र छात्राओं ने सुनकर उसे बधाई दी यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है ठीक है तो विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में आरती ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया ठीक है तो मतलब उसने बोल कर क्या किया अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई ठीक है और जो वहाँ पर बैठे थे छात्र छात्राएं और जो अध्यापक थे उन्होंने सुनकर उसकी बात को समझा उसको ठीक है उसका सुन सुनी ना उसकी बात ठीक है तो यह हमारा किसका उदाहरण है मौखिक भाषा का उदाहरण है ठीक है तो घर पहुंचकर आरती ने विद्यालय का सारा किस्सा पत्र में लिखकर काव्या को भेजा मतलब जो उसकी दोस्त उससे बहुत दूर रहती थी ना ठीक है तो उसने घर पहुँच क्या किया वो जो अपना सारा कहा जो उसने उसमें भाषण दिया था ना उस भाषण को उसने क्या करा पत्र में लिख अपनी मित्र काव्या जो उससे दूर रहती थी उसे क्या है लिख भेज दिया पत्र का पढ़कर काव्या बहुत खुश हुई और पत्र लिखकर आरती को बधाई दी ठीक है तो पत्र लिखकर काव्या खुश हो गई और उसने आ, उसको बधाई थी यह भाषण का लिखित रूप कहलाता है ठीक है तो यह भाषण का क्या है लिखित रूप है आगे देखिए इस तरह भाषा के मुख्यता दो रूप है तो कौन कौन से रूप हैं बच्चों भाषा के मौखिक रूप और लिखित रूप ठीक है एक है मौखिक रूप दूसरा है लिखित रूप तो मौखिक रूप में क्या आता है बच्चों हमारा जिसे हम बोलकर ठीक है और जो दूसरे सुनकर समझते हैं ठीक है तो वह हमारा मौखिक रूप है और लिखित रूप कौन सा है जब हम अब लिख कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो इसे हम क्या कहते हैं लिखित रूप कहते हैं ठीक है बच्चों तो आया आप लोगों को समझ में भाषा का मौखिक और लिखित रूप क्या कौन सा होता है ठीक है एक बच्चों एक सांकेतिक रूप भी होता है ठीक है सांकेतिक मैं वो आपको बता रही हूँ आपकी उसमें नहीं है आपने पढ़ा होगा ठीक है मतलब संकेत के द्वारा भी होता है जैसे ट्रैफिक पुलिस में आप देखते हैं ना वहाँ पे संकेत के द्वारा क्या करते हैं भाषा को समझाते हैं है ना वो ट्रैफिक पुलिस वाला हमें संकेत के इशारों के द्वारा समझाता है इशारों के द्वारा समझाना तो एक सांकेतिक रूप भी होता है लेकिन आपकी बुक में मौखिक और लिखित रूप है ठीक है आगे देखिए साथ ही भाषा के चार कौशल होते हैं बोलना सुनना लिखना पढ़ना चार कौशल मतलब हो गए अगर जो बोलेगा बच्चों वह सुनेगा दूसरा उसकी बात सुनेगा जो लिखेगा वह उसको दूसरा उसकी बात को पढ़ के समझेगा इन्हीं क्वेश्चनों का प्रयोग भाषा के दोनों रूप में किया जाता है ठीक है बोलना और सुनना ठीक है तो बोलना और सुनना मिलकर क्या बन गया बच्चों मौखिक रूप बन गया लिखना और पढ़ना लिखना और पढ़ना बनकर क्या हो गया लिखित रूप हो गया ठीक है तो बोलना और सुनना मिलकर मौखिक रूप मौखिक ठीक है मुँह से बोलने वाला तो जब मैं बोलूँगी जब बच्चों मैं बोल रही हूँ आप तो उस चीज़ को सुन रहे हो ना ठीक है अगर मैं लिख कर दूँगी तो आप उसको पढ़ेंगे ठीक है तो ठीक है अब जैसे आपको वर्कशीट आती है आती है ना आपको वर्कशीट तो जब वो मैं आपको लिख करके देती हूँ ठीक है तो आप उसको पहले पढ़ते हैं फिर उसको लिखते हैं ना समझ समझते हैं ठीक है तो वो हमारा कौन सा रूप होता है लिखित रूप होता है ठीक है तो लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं ठीक है बच्चों समझ आया आगे देखिए तो ये तो था हमारा भाषा और उसके रूप तो भाषा की क्या परिभाषा हो गई जब हम जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिख कर या बोलकर प्रकट करते हैं ठीक है उसे हम क्या कहते हैं भाषा कहते हैं ठीक है भाषा का यह वह रूप जब हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं ठीक है अब देखिए और भाषा के तो किसके माध्यम से करते हैं हम किसके माध्यम से लिखकर और बोलकर ठीक है अब देखिए भाषा तथा बोली भाषा और बोली क्या होती है राष्ट्रभाषा ठीक है राष्ट्रभाषा क्या होती है बच्चों कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति तक पहुँच जाती है कि संपूर्ण जो राष्ट्र के ठीक है संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग लोगों के द्वारा वह व्यवहार और बोलचाल में लाई जाती है तो वह भाषा क्या कहलाती है राजभाषा कहलाती है ठीक है मतलब जब कोई भी भाषा क्या होती है इतनी विकसित हो जाती है बच्चों इतनी फैल जाती है तो और वह पूरे राष्ट्र में आम तौर पर बोलचाल में प्रयोग में लाई जाती है तो वह राजभाषा के राष्ट्रभाषा कहलाती है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है हिंदी है ठीक है मतलब बेटा जब कोई भाषा होती है वह इतनी विकसित हो जाती है फैल जाती है पूरे देश में अब देखिए आप अपने घर में दूसरी भाषा बोलते होंगे जो आप लोगों की अपनी भाषा है बोली है है ना आप लोगों के मम ठीक है लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर जाते हैं हमारे मुंह से कौन सी भाषा निकलती है हिंदी कक्षा में आते हैं आप लोग हिंदी में बात करते हैं एक दूसरे के साथ अपनी अपनी भाषा में तो बात नहीं करते ना बच्चों अब देखिए कोई पंजाब का होता है कोई हरियाणा का होता है कोई उत्तराखंड का होता है तो ये सब अपनी अपनी भाषा घर में बोलते हैं लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं है ना कहीं पे भी जाते हैं बाहर कक्षा में आते हैं तो क्या होता है हम इस भाषा में बात ना करके किस भाषा में बात करते हैं हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी ही हमारी क्या है राष्ट्रभाषा है ठीक है समझ आया आपको आगे देखिए मातृभाषा बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं मतलब जब बालक छोटा होता है बच्चों जब आप लोग सबसे छोटे थे ठीक है तो आप लोगों ने सबसे पहले भाषा सबसे पहले कौन सी भाषा बोलनी शुरू करी कौन सी बोलनी शुरू करी थी जो आपके मम्मी पापा घर में बोलते थे ठीक है वही सीखते हैं ना क्योंकि बच्चा सबसे पहले उन्हीं के साथ रहता है ठीक है तो जो भाषा बच्चा अपने परिवार में रहकर सीखता है उसे हम उसकी मातृभाषा कहते हैं ठीक है आगे देखिए बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं तो बोली क्या होती है बच्चों जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है ठीक है कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है स्थानीय लोगों के द्वारा बातचीत के लिए जिस माध्यम से जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है ठीक है इसका कोई लिखित तो बच्चों जो बोली होती है ना इसका कोई लिखित रूप नहीं होता इसको लिख नहीं सकते ठीक है अब जैसे जो हरियाणा का है उसकी क्षेत्रीय बोली होती है हरियाणा वो हरियाणवी बोलता है ठीक है लेकिन हम हरियाणवी को लिख नहीं सकते हैं ठीक है पंजाबी है ठीक है पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं लेकिन हम पंजाबी भाषा के अंतर्गत आएगी ठीक है बोली और भाषा में यही फर्क होता है ठीक है तो जो बोली है वो क्या है लिख नहीं सकते उसको हम वो केवल एक जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं ना उसमें बोली जाती है जैसे राजस्थान में है राजस्थानी होगी ठीक है आ, और क्या होगी बेटा हरियाणवी होगी राजस्थानी होगी मैथिली होगी ठीक है तो जो ये कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं ठीक है इनको क्या होता है बच्चों बोलते तो हैं लेकिन इनको हम लिख नहीं सकते यह छोटे छोटे उसमें वहाँ के क्षेत्र की अपनी बोली होती है ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं बोली कहते हैं हरियाणा क्षेत्र के लोगों द्वारा हरियाणवी बोली जाती है बोली बोली जाती है ठीक है ब्रज के द्वारा ब्रज के लोगों द्वारा ब्रज अथवा अवध के लोगों द्वारा अवधि बोली का प्रयोग में लाया जाता है ठीक है बच्चों तो इसे हम बोली कहते हैं आपको समझ आ गया ठीक है आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त बाईस भाषाएँ हैं ठीक है तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें बाईस भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है बच्चों ये देखिए मैं आपको नोट दिखा एक चीज़ दिखाती हूँ ठीक है इसमें देखिए ये क्या है बेटा ये है नोट ठीक है तो हमारे नोट में भी देखिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है ठीक है ये देखिए है ना यहाँ देखिए अलग अलग भाषाएं लिखी गई है अलग अलग देखिए ये अलग भाषा है ये अलग पचास टेका है ना अलग अलग भाषाओं में पचास ये अलग अलग ठीक है ये देखिए हमारे नोट में भी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है ठीक है ये देखिए ये है ना चलिए काउंट करें वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह भाषाएं लिखी गई हैं है ना? एक हिंदी होगी ठीक है और एक इंग्लिश होगी ठीक है तो यहाँ देखिए बेटा ये ठीक है तो ये देखिए ये तो पंजाबी में हो गया ये संस्कृत में हो गया ठीक है है ना? ये इंग्लिश लिखी हुई है ये कितनी लिखी गई है ये हिंदी लिखी हुई है ठीक है तो ये देखिए हमारे नोट में भी अलग अलग आप हर नोट में देखेंगे तो आपको हर किसी नोट में क्या होगा अलग अलग भाषाएं ये यहाँ पर पूरी भाषाएं दिखाई देंगी ठीक है बेटा आगे देखिए तो कितनी भाषाओं को मान्यता मिली गई है बाईस ठीक है असम देखिए कौन कौन सी असम उड़िया उर्दू कन्नड़ कश्मीरी कोकणी गुजराती डोगरी तो जो नोट हैं बच्चों उसमें सभी भाषाओं को नहीं लिखा गया है जैसे कश्मीरी नहीं लिखी है डोगरी नहीं लिखी गई है ठीक है तो इतनी ये सारी भा कुछ भाषाओं का प्रयोग किया गया है ठीक है तमिल तेलुगू ठीक है तो ये हमारी कितनी क्या है बाईस भाषाएँ हैं ठीक है संस्कृत हिंदी मणिपुरी मैथिली सिंधी संथाली बंगाली नेपाली मराठी मलयालम तमिल तेलुगू पंजाबी बोडो ठीक है तो ये सारी हमारी क्या हैं बाईस भाषाएं हैं तो इसका मतलब क्या है हमारे संविधान में बाईस भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ठीक है बेटा आगे देखिए लिपि लिपि क्या होती है भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं ठीक है जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं ना शब्द के द्वारा तो बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं यही चिन्ह लिपि कहलाती है मतलब भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं बेटा लिपि कहते हैं ठीक है तो जो प्रत्येक भाषा है उसकी अपनी एक विशेष लिपि होती है अब देखिए भाषा हिंदी की देवनागरी पंजाबी गुरुमुखी संस्कृत देवनागरी अंग्रेजी रोमन उर्दू फारसी मराठी देवनागरी नेपाली की देवनागरी तमिल की तमिल ठीक है हिंदी की कौन सी है देवनागरी पंजाबी की गुरुमुखी संस्कृत की भी देवनागरी अंग्रेजी की रोमन ठीक है बेटा ये आपने याद करने हैं लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को अमूल्य द्रोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है अमूल्य धरोहर मतलब हमारी कीमती धरोहर ठीक है संपत्ति उसके रूप में इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए आगे बच्चों आपको समझ में अब देखिए व्याकरण व्याकरण क्या होता है बोलते लिखते अथवा पढ़ते समय जब किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं व्याकरण से होता है ठीक है जब भी आप बोल रहे हैं अब बेटा देखो यहीं पे देखिए ये लिखा गया है बोलते लिखते अथवा पढ़ते समय ये वाक्य आपको सही लग रहा है लिखते समय तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सीखता है ठीक है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है ठीक है मतलब जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है ठीक है देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं मीरा गाना गा रहा है बताइए बच्चों ये वाक्य शुद्ध है रहा है आएगा नहीं क्या आएगा इसमें मीरा गाना गा रही है कल जाना है मुंबई मुझे तो ये वाक्य शुद्ध है नहीं क्या आएगा इसका मुझे कल मुंबई जाना है मैं तेरे से नाराज हूँ वाक्य शुद्ध है नहीं मैंने तेरे से नाराज हूँ नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ ठीक है टकर हरीश डिब्बा बनंदर क्या आएगा इसमें टकर ट्रक को कैसे लिखते हैं देखिए मीरा गाना गा रही है ठीक है मुझे कल मुंबई जाना है मैं तुमसे नाराज़ हूँ आपसे तुमसे, तुमसे ट्रक को ऐसे लिखते हैं हरीश को ऐसे लिखते हैं डिब्बा ऐसे लिखते हैं और बंदर ऐसे लिखते हैं ठीक है ठीक है बेटा तो आप जानते हैं उपयुक्त सभी में तो अशुद्धियों का सही रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही देखिए ये आपको बेटा इस बार आपको ये जो वर्कशीट है ये सबमिट नहीं करनी है हर फिफ्टीन डेज में हम आपकी नोटबुक मंगवाएंगे चेकिंग के लिए तो आपने वो नोटबुक स्कूल में सबमिट करनी है ठीक है तो आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में यह कार्य करेंगे ठीक है तो ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिख के दिए हैं ये मैं आपको इसका अभ्यास कार्य बता देती हूँ उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे ठीक है हमारे देश की राजभाषा कौन सी है तो कौन सी हमारे देश की राजभाषा हिंदी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है कब मनाया जाता है हिंदी दिवस चौदह अगस्त को बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं मातृभाषा ठीक है आगे देखिए निम्नलिखित तो उदाहरण को पढ़कर बताइए कि वह भाषा का कौन सा रूप है तो कौन सा रूप है पत्र लिखना कौन सा रूप है लिखित भाषा का रेडियो सुनना रेडियो सुनना मौखिक भाषा का भाषण सुनना भाषण सुनना मौखिक भाषा का अखबार पढ़ना लिखित भाषा का ठीक है समझ आया आप लोगों को तो ये कार्य ये कार्य आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की